नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा पैटर्न लाई हूँ, जिसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, बच्चों के स्वेटर में, कैप में, हैट में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए 9 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 6 फंदा एक्स्ट्रा। डिज़ाइन 5 फंदों पे बना है और मैंने साइड में 4 फंदे लिए हैं, तो 9 9 9 9 साइड में 4 फंदे और 2 फंदे एज स्टिच। इस तरह मैंने डिज़ाइन को सेट किया है। सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। यदि आपको मेरे बताए डिज़ाइन अच्छे लग रहे हों तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो वो सबसे पहले आपको मिले। तो इसे बनाने के लिए मैंने 24 फंदे डाले हैं, 9 का मल्टीपल प्लस 6 फंदा यानी 18 और 6 फंदा 24 फंदा डाला है। तो पहली लाइन में हम पहले फंदे को सीधा बुन लेंगे, फिर 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4, 4 फंदा उल्टा बुनने के बाद 1 2 3 4 5, 5 फंदा सीधा। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 9 फंदों को हम पूरी सिलाई में दोहराएंगे। 4 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 5 फंदा सीधा। लास्ट में 5 फंदे बचेंगे तो उन अपनी ओर करेंगे 4 फंदा उल्टा, 5 फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा बेस लाइन तैयार हो गया। हमारा डिजाइन रॉन्ग साइड से स्टार्ट होगा, तो ध्यान दीजिएगा। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे 4 फंदा सीधा। अब उन अपनी ओर करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 5 फंदा उल्टा है, तो पहला फंदा उल्टा बुना, ऊन को सिलाई में लपेट के वापस अपनी तरफ लाएंगे, अगला फंदा उल्टा बुना, फिर ऊन को लपेट के वापस अपनी तरफ लाएंगे, अगला फंदा उल्टा बुना, ऊन को सिलाई में लपेट के वापस अपनी तरफ लाएंगे, फिर ये चौथा फंदा उल्टा हो गया, फिर ऊन को सिलाई में लपेट के अपनी तरफ लाएंगे और ये 5वां फंदा उल्टा। तो पहला फंदा उल्टा बुनने के बाद लगातार 4 उल्टे फंदों के को बुनने से पहले मैंने सिलाई में उनको अपनी तरफ लपेटा। फिर से देखिए यहाँ पे हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब यहाँ से दूसरी डिज़ाइन शुरू होती है, तो ध्यान दीजिएगा 4 फंदा सीधा, 4 फंदा सीधा ऊन अपनी ओर। अब देखिए यहाँ पे 5 फंदे उल्टे हैं, तो पहला फंदा उल्टा बुना, ऊन को सिलाई में चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएं, नेक्स्ट फंदा उल्टा, दूसरा हो गया, चढ़ा के वापस अपनी तरफ लाएंगे, तीसरा फंदा ऊन को चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे, चौथा फंदा ऊन को चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे और 5वां फंदा। तो 5 देखिए उल्टे फंदे बुनने के बीच में हमने 4 बार धागे को सिलाई में लपेटा, तो ये 5 फंदा हो गया। अब उनको दूसरी तरफ करेंगे 4 फंदा सीधा, 5 फंदा एज स्टिच है, तो उन अपनी ओर करेंगे, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है।
तो पहला फंदा एज स्टिच है, इसे स्किप कर लेंगे। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, ऊन दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए सीधा फंदा है, इसे उतारेंगे, इसे सिलाई में दाहिनी सिलाई में लेंगे। अब ये जो हमने फंदा लपेटा था इसे गिरा देंगे। नेक्स्ट फंदा हम लेंगे, फिर लपेटा हुआ फंदा, इसे हम गिरा देंगे। फिर लेंगे लपेटे हुए फंदे को गिरा देंगे, चौथा लेंगे लपेटे हुए फंदे को गिराएंगे, और पांचवा ऐसे थोड़ा सा खींच लेंगे। इससे क्या हुआ, ये हमारे जो फंदे थे वो थोड़े लंबे हो गए। अब इन फंदों को हम बाएं सिलाई में ले लेंगे और पांचों फंदों को दो भाग में, देखें ऐसे दो भाग में डिवाइड करेंगे, और तीसरे फंदे से पहले फंदे की ओर ऐसे सिलाई डालेंगे सामने की ओर से। फिर से देखिए तीन फंदे ये हैं, ऐसे हम सिलाई डालेंगे तीसरे से पहले की ओर सामने से, इसे दाहिनी सिलाई में ले लेंगे। फिर इन दोनों फंदों को भी हमने ले लिया। अब सबको बाएं सिलाई में लेके और एक फंदा सीधा बुना, उनको अपनी ओर किया, ये दो हुआ, फिर तीन, फिर उनको अपनी तरफ किया चार, और फिर इसी में एक और पांच। तो हमने पांच फंदे से पांच फंदे कर दिए। अब इसे गिरा देंगे, अब उन अपनी ओर करेंगे और चार फंदा उल्टा है उसे हम उल्टा बुन लेंगे, एक दो तीन चार, दूसरी ओर। अब देखिए ये फिर से हमारा डिज़ाइन आ गया, पांच फंदे और चार लपेटे हुए फंदे। तो क्या करेंगे, सभी सीधे फंदों को हम दाहिनी सिलाई में ले लेंगे और लपेटे हुए फंदे को गिराते जाएंगे। तो हम सीधे फंदे को दाहिनी सिलाई में उतार लेंगे और ये लपेटे हुए फंदे को गिराते जाएंगे, तीन लपेटा हुआ फंदा इसे गिरा देंगे, चार लपेटा हुआ फंदा गिरा देंगे और सीधे वाले फंदे को दाहिनी सिलाई में ले लेंगे। अब इन्हें बाएं सिलाई में लेंगे और दो हिस्से में कर लेंगे, एक तरफ दो फंदा एक तरफ तीन फंदा। फिर तीसरे वाले फंदे से ऐसे सिलाई डालेंगे और पहले वाले फंदे की तरफ निकालेंगे, यानी इन तीनों फंदों को एक ही साथ लेंगे। और देखिए सामने की तरफ से, फ्रंट साइड से हमने तीनों फंदों को एक साथ लिया और दाहिनी उतार लिया। फिर इन दोनों फंदों को भी हम लेंगे, अब इन पांचों फंदों में एक साथ हम पांच फंदे बनाएंगे, एक उन अपनी ओर किया, दो तीन उन अपनी ओर किया, चार पांच। तो पांच से हमने पांच फंदे बना दिए। अब उन अपनी ओर करेंगे, चार फंदा उल्टा, लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे। तो यह हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। तीसरी लाइन में हम पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे उन अपनी ओर, सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे, चार फंदा सीधा उन अपनी ओर, डिजाइन वाले पांच फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं नौ फंदों को हम पूरी लाइन में दोहराएंगे। तो हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिज़ाइन का चौथा लाइन है। तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, चार फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर, और डिज़ाइन के जो पांच फंदे हैं उन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं नौ फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, चार फंदा उल्टा, और डिजाइन के पांच फंदे सीधे। उन अपनी ओर लास्ट में पांच फंदे हैं, तो चार फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा। पांचवी लाइन, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर चार सीधे फंदे हैं उन्हें हम सीधा बुन लेंगे,
उन अपनी ओर, डिजाइन के पांच फंदे इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं नौ फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। तो हमारा पांचवा लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम सामने आ जाते हैं और ये डिजाइन का छठा लाइन है। तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, चार फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर, पांच फंदे सीधे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं नौ फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। चार फंदा उल्टा, और पांच फंदे सीधे। चार फंदा उल्टा, लास्ट में पांच फंदे बचेंगे, तो चार फंदा उल्टा और पांचवा फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा छठा लाइन कंप्लीट होता है। सातवें लाइन से हमारा पहला लाइन शुरू हो जाएगा। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और चार फंदा सीधा, अब ये डिजाइन के पांच फंदे आ गए। तो प्रत्येक फंदे को हम उल्टा बुनते जाएंगे और दो फंदों के बीच में हम ऐसे ऊन को लपेट के वापस अपनी तरफ लाएंगे। तो अब फिर इन दो फंदों के बीच में हमें ऐसे लपेटना है, नेक्स्ट दो फंदों के बीच में लपेटना है, उल्टा बुन लेना है, फिर लपेटा और नेक्स्ट लास्ट फंदा इसे उल्टा बुन लिया। तो यहाँ पे हमारा एक डिजाइन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डिजाइन शुरू होता है, चार फंदा सीधा, उन अपनी ओर, पांच उल्टे फंदों में, प्रत्येक फंदे को उल्टा बुनना है और दो फंदे के बीच में हमें उनको लपेटना है। तो पांच फंदों के बीच में हम चार बार उनको लपेटेंगे, दो हुआ, ये तीसरी बार लपेटा, चौथी बार लपेटा। अब लास्ट में ये सीधे फंदे हैं, पांच फंदे आ जाएंगे, तो चार फंदा सीधा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब फिर हम सामने की तरफ आ जाते हैं और ये डिजाइन का दूसरा लाइन है। तो फिर से देखिएगा, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, चार फंदा उल्टा, सभी सीधे फंदों को हम दाहिने सिलाई में लेंगे और बीच में जो फंदा हमने लपेटा था उसे गिराते जाएंगे। गिराया, सीधे वाले फंदे को हम दाहिने सिलाई में लेंगे और लपेटे हुए फंदे को गिराते जाएंगे। सीधे फंदे को लिया, लपेटे हुए फंदे को गिरा दिया। इससे क्या होगा कि हमारा फंदा ये लंबा हो जाएगा। अब इसे बाएं सिलाई में लेंगे और दो हिस्से में बांट लेंगे, एक तरफ दो फंदा, एक तरफ तीन फंदा। अब तीन फंदे को हम ऐसे फ्रंट साइड से सीधे की तरफ बुनते हुए लेंगे और दाहिने सिलाई में ले लिया और फिर इन दोनों फंदों को भी दाहिने सिलाई में ले लिया। अब फिर पांचों फंदों को एक साथ लेंगे। अब हमने जब तीसरे फंदे को ऊपर लिया है तो ये देखिए ऐसे ऊपर की तरफ बनता चला जाएगा। तो इन पांचों फंदों को एक साथ लेंगे और पांच फंदे बना लेंगे, एक, उन अपनी ओर किया दो, तीन, उन अपनी ओर किया चार और पांच। पांच से हमने पांच फंदे बना लिए। फिर उन अपनी ओर करेंगे, चार फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे, पांच सीधे फंदे हैं और चार लपेटे हुए फंदे हैं। तो सीधे फंदों को ऐसे दाहिनी सिलाई में लेते जाएंगे, लपेटे हुए फंदे को गिराते जाएंगे। ऐसे खींच देंगे। अब बाईं सिलाई में लिया, इन दोनों को, पांचों फंदों को दो हिस्से में किया। ऐसे पहले तीन फंदे को हम सामने की तरफ से दाहिनी सिलाई में ले लेंगे, फिर दो फंदों को, फिर पांचों फंदों को एक साथ लेते हुए पांच से पांच फंदे बना लेंगे।
तो ये हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। फिर हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में तीसरा फंदा। तीसरे फंदे में जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा, और जो फंदा उल्टा दिखाई, यानी डिज़ाइन के फंदे उल्टे बुने जाएंगे और ये सीधे वाले फंदे ये सीधे बनते जाएंगे रॉन्ग साइड में। और सामने की तरफ भी जो फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं उसे उल्टा बना जाएगा, और जो फंदे सीधे, ये डिज़ाइन के फंदे, इसे सामने की तरफ से सीधा बुनेंगे। तो चार लाइन और हम ऐसे बुनेंगे, हर पांचवीं और छठी लाइन में डिज़ाइन बनेगा। तो छह लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और डिज़ाइन ऐसे बनता चला जाएगा। और देखिए ऐसे मन के की तरह ऐसे बनता, ऊपर की तरह बनता चला जाएगा। तो डिज़ाइन बेहद खूबसूरत है, आप इसे अपने स्वेटर में ज़रूर बनाएं, बेहद खूबसूरत लगेगा फ्रेंड्स। तो डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।